मोदी महोदया, माननीय कांग्रेस के नेता इस देश को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। इस देश में जो भी भारत का नागरिक है उसको इस देश में रहने का अधिकार है, और जानबूझ करके इन्होंने अपने एक साजिश के तहत जो भी घुसपैठिए हैं उनको बचाने के लिए इस तरह का वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जानबूझकर यह बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने एक विदेशी को अपना नेता बनाया है और एक साजिश के तहत यह चाहते हैं कि घुसपैठिए को, चाहे वह रोहिंग्या हो, चाहे दूसरे देश के आने वाले कोई भी घुसपैठिए हो, उन सबों को यह बसाने के लिए एक साजिश के तहत इसको विवाद का विषय बनाने के लिए इन्होंने कहा है। मेरी आपके द्वारा अपील होगी कि वह सदन में माफी मांगे, इस देश से माफी मांगे और इस सदन से माफी मांगे कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वह बहुत ही दुखद है, और इस तरह से जानबूझ के उनकी मजबूरी होगी कि किसी विदेशी महिला को अपना पार्टी का लीडर मानने की इस देश में जानबूझकर विवाद किया जा रहा है, इस देश में जानबूझ करके इस चीज को बनाया जा रहा है जिससे बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को गलत ढंग से शरण मिल सके। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, और अधीर जी बहुत ही सीनियर नेता है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि वह सदन से माफी मांगेंगे और इस तरह की चर्चा कभी दोबारा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।